ये आप स्पॉइलर मान लो या कंफर्म मान लो, सेथ रॉलिंस आपके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस कंफर्म हो चुके हैं। कैसे, इसके बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बात कर लेते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई WWE ने भी खुद अंदर ही अंदर टॉक करना स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग इसमें किस चैंपियन को दे, हम ये यानी किसको दे। एंड भाई WWE ने जो लिस्ट बनाई है उसमें टॉप पर नाम सेथ रॉलिंस का। एंड भाई सेथ रॉलिंस ने भी खुद से कह दिया है कि हाँ उनको ये चैंपियनशिप चाहिए। एंड भाई मोस्ट प्रोबेबली अब हमको ये नाइट ऑफ चैंपियंस में ही इसका मैच होते हुए देखने को मिलेगा। एंड भाई अब आप मान सकते हो 100% यानी कि आप स्पॉइलर मान सकते हो कि मैं आपको एक स्पॉइलर दे रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये पूरा पूरा एक स्पॉइलर है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में हमको सेथ रॉलिंस ही WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन देखने को मिलेंगे। एंड ये भाई नंबर वन चैंपियन भी बन जाएंगे इस टाइटल के, यानी कि फर्स्ट टाइटल होल्डर। एंड भाई नाइट ऑफ चैंपियंस में एक नया चैंपियन भी मिल जाएगा रॉ के लिए। अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये रॉ पर रहेगी या स्मैकडाउन पर जाएगी, क्योंकि भाई ड्राफ्ट से बहुत ही ज्यादा फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल सा दिख रहा है हर एक सुपरस्टार का एंड हर एक टाइटल का। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ आप लोग को क्या लगता है कि ये सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप जीतने के बाद रॉ पर रहेंगे या स्मैकडाउन पर, नीचे कमेंट में बताओ। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।